नमस्कार। कम ज्ञान की वजह से कई बार ज्योतिष कई सारे लोगों को डरा देते हैं। कल भी मैंने इसी तरह का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने यह बताया था कि मंगल देव का अष्टम स्थान पर बैठना किस प्रकार से खराब फल दे सकता है और उसके किस प्रकार से गलत अवधारणाओं में उस चीज को डाल दिया गया। उसी प्रकार से कई बार लोग मुझसे यह भी कहते हैं, यह भी पूछते हैं कि सर, हमें यह बताया गया कि आपके लग्न कुंडली के या आपके बच्चे की लग्न कुंडली में माता पिता कहीं किसी की लग्न कुंडली के चंद्र यदि अष्टम स्थान पर बैठे हैं तो पानी में डूबने की वजह से, पानी की वजह से, जल की वजह से किसी प्रकार से मृत्यु होगी। तो इसमें कितना सच है? और ऑब्वियसली जब मृत्यु की बात आती है तो इंसान बहुत ज्यादा डर जाता है। नौकरी छूट जाएगी, बिजनेस ठप हो जाएगा, ठीक है वो सहन कर लिया जा सकता है, लेकिन मृत्यु हो जाएगी और खासतौर पर आपके अपनों की, तो ये बहुत बड़ा, बहुत ही मतलब पैरों तले जमीन खिसकने जैसी बात है। और खास तौर पर तब जब आप ये बात उस व्यक्ति से सुने जिस पर आप ज्यादा भरोसा रखते हैं और वो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर हो, तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो यहां पर मेरा कहना ये बनता है कि ये बात कि चंद्र लग्न कुंडली के अष्टम स्थान पर है तो पानी की वजह से, जल की वजह से, जल में डूबने की वजह से मृत्यु होगी, ये बात सिर्फ वही व्यक्ति कह सकता है जिसे ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं है। इवन चंद्र का अष्टम स्थान पर बैठना, कई लोग इसे बालिष्ट योग भी साबित कर देते हैं। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया, हालांकि उस वीडियो को बनाए करीब करीब 2 साल 2.5 साल हो गया होगा, लेकिन उस पर भी मैंने ये बताया कि जस्ट नॉट कि लग्न कुंडली के अष्टम स्थान पर चंद्रमा बैठा है तो बालिष्ट योग हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि चंद्र यदि लग्न कुंडली के अष्टम स्थान पर बैठेंगे तो कोई ऐसा बात नहीं है कि जल में डूबने की वजह से, जल की वजह से, पानी की वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग चंद्रमा को ठंडी चीजों से भी से कंपेयर करते हैं। ऑब्वियसली चंद्रमा को किया जाता है ठंडी चीजों से, लेकिन कई लोग कहते हैं ठंड की वजह से मृत्यु हो जाएगी, ठंड के रोगों की वजह से मृत्यु हो जाएगी, जैसे निमोनिया होता है, छाती संबंधी समस्याएं होती हैं, तो उन रोगों की वजह से मृत्यु हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि चंद्र लग्न कुंडली के अष्टम स्थान पर बैठे हैं तो ये जरूर है, नेगेटिविटीज है। क्या नेगेटिविटी है मैं आपको बता रहा हूं। नेगेटिविटी ये है कि इंसान जो है चिंता ज्यादा करता है, तनाव में ज्यादा रहता है, स्ट्रेस ज्यादा करता है, कहीं ना कहीं मन जो है उसका भटकता रहता है या फिर डायलेमा, दुविधा में रहता है मन, ये बात जरूर मैं मानूंगा। लेकिन मृत्यु इस तरह के हो जाएगी, इस बात को पूरी तरह से 100% मैं खारिज करूंगा। नेगेटिविटीज है, ऐसा हमेशा नहीं होगा। मैं देखिए, मैं आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं मोटिवेशंस देने का काम नहीं करता हूँ, लेकिन जो है सच्चाई है वो बताने का काम करता हूँ। तो जो नेगेटिविटी है वो मैंने आपके सामने रखी, लेकिन यहाँ पर इस तरह की गलत अवधारणा फैलाने की जिन लोगों की कोशिश है और फिर उसके ऊपर लूटने की कोशिश है, मुझे बड़ी हंसी आती है जब ये कहा जाता है भैया इससे मृत्यु हो जाएगी, आप एक काम करिए 11,000 की, 21,000 की, 1,00,000 की पूजा करवाइए। अरे भाई, मृत्यु हो ही जाएगी, मृत्यु के योगी हैं, तो आप कौन होते हैं उन मृत्यु को रोकने वाले? पूजा करवा करके क्या मृत्यु को रोक लिया जाएगा? उपायों से कभी भी भाग्य बदल सकते हैं क्या? भाग्य बदलना होता तो एस्ट्रोलॉजर्स प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ना बन जाते। उपाय जो है वो केवल छाते के समान है, बारिश बनने की जा सकती लेकिन छाता लगाया जा सकता है, केवल वो उपाय है। तो यहां पर मैं कहूंगा कि केवल पैसा कमाने के दृष्टिकोण से जब आपको गलत बातें बताई जाती है तो मैं खुद इस बात पर गुस्सा करता हूं, इस बात का अगेंस्ट करता हूं और शुरू से करते आ रहा हूं, आज से नहीं। आप इस बात को अपने मन से, दिलो दिमाग से पूरी तरह से निकाल दीजिए कि यदि आपके लग्न कुंडली के या आपके नियरेस्ट डियरेस्ट कोई भी व्यक्ति उनके लग्न कुंडली के अष्टम स्थान पर चंद्रमा है तो वो जल की वजह से किसी प्रकार से कुछ उनको प्रॉब्लम होगी, कुछ मिसहैपनिंग होगी। या इस बात को भी दिमाग से निकाल दीजिए कि अष्टम स्थान पर चंद्रमा है या 6वें 8वें और 12वें स्थान पर चंद्रमा है तो वो बालिष्ट योग होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, केवल आप चंद्र को देख करके नहीं बोल सकते या केवल एक ग्रह को देख करके नहीं बोल सकते, बहुत सारी सूक्ष्म कुंडलियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी दशाएं आती हैं, गोचर आते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं लग्न कुंडली में, बहुत सारे योग ऐसे बनते हैं जो कि आपको बताते हैं कई बार कि वो व्यक्ति दीर्घायु है या किसी प्रकार से उसको ऐसे मिसहैपनिंग नहीं होने वाली है। मेरे पास एक सज्जन आए थे और मैं 3 या 4 दिन पहले की बात बता रहा हूं, कल मंगल को लेकर के मैंने वीडियो बनाया था, तो कल ही एक सज्जन आए थे तो उनके बारे में तो मैंने बता दिया, लेकिन मैंने सोचा कि वो जो 3 या 4 दिन पुरानी बात है वो भी आपके साथ शेयर करना चाहिए।
और वो बड़े भयभीत हो गए थे क्योंकि उनको खुद को नहीं उनके बच्चे को लेकर के ये बात बता दी गई थी कि भैया इसके जल में डूबने की वजह से मृत्यु हो जाएगी, और ऑब्वियसली फिर तो टेंशन होगा ना। मैंने उनके बच्चे की कुंडली देखी, तब मैंने ये पाया कि उनका बच्चा दीर्घायु है। तो जब दीर्घायु है, 70 से ऊपर यदि उम्र है, तो ऑब्वियसली इतना डरने की भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो बस इस बात को, इस टॉपिक को लेकर के मैं इन दो दिनों से वीडियोस बना रहा हूँ। कल मंगल को लेकर के, आज चंद्र को लेकर के मैंने बनाया। मेरा हमेशा से फोकस, मेरा हमेशा से मोटिव ये रहा है कि आपको सच्ची बात बताई जाए, लूट पाट से दूर रखा जाए। डर का जो बिजनेस है ना, बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है, बहुत तेजी से। यदि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं डरा दूँ, मेरा वो वीडियो वायरल हो जाएगा, मिलियंस ऑफ व्यूज आने वाले हैं, मिलियंस ऑफ, मुझे पता है और शुरू से ही बात पता है। लेकिन ऑब्वियसली व्यूज मायने नहीं रखते, आपको जागरूक करना मेरे लिए मायने रखता है। और इस वजह से शुरुआत के साथ, शुरुआत से मैं अपने वेबसाइट पर भी ये संदेश दे चुका हूँ, अपने वीडियोस के माध्यम से भी ये संदेश दे चुका हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ये संदेश दे चुका हूँ कि लूटपाट के खिलाफ मेरा हमेशा कैंपेन होता है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब सजग बने। तो फॉलो करते रहिए सारे वीडियोज़ को, और आप यदि वीडियोज़ को फॉलो करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि उसमें मुझसे ज़्यादा फायदा आपका है। हाँ, मुझे व्यूज मिले ना मिले मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको सजगता मिलनी चाहिए और आप समाज को सजग करें ताकि आपकी वाहवाही हो, ये मैं चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।